आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। गुना जिला में ब्लैक बक का शिकार करने आए हथियारों से लैस पेशेवर शिकारियों से 3 जाबाज पुलिसकर्मियों से उनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें शिकारियों ने लाइसेंस बंदूकों से हमला कर जबरदस्त फायरिंग की, जिसमें शहीद पुलिस आरक्षक नीरज भार्गव, आरक्षक संतराम मीना और एसआई राजकुमार यादव की मौत हो गई। इधर रविवार की शाम करीब 7:15 महामाया चौक के समीप अमर शहीद स्तंभ के नज़दीक उनके चित्रों के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल, आरआई पुलिस बीएस चौहान, कोतवाली टीआई आशीष सप्रे, ट्रैफिक एएसआई जसवंत शर्मा, हेड कांस्टेबल संतोष नागर, हनुमंत कुश सिंह राजपुरोहित, धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, भगवान दास पटवा, श्री हुईस के अध्यक्ष पतिराम प्रजापति, हल्ला महाराज डॉक्टर अरविंद तामरकर, वीरू तामरकर आदि उपस्थित हुए। इसके पहले मौजूद जनसमुदाय द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर शहीद पुलिसकर्मियों एएसआई को सच्ची श्रद्धांजलि दी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रायसेन के लिए संवाददाता शिवलाल यादव की रिपोर्ट। गुना जिले में हमारी पुलिस के वीर जवान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपराधियों को पकड़ने में शहीद हुए और उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए रायसेन पुलिस विभाग द्वारा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया और बड़ी संख्या में की और निश्चित रूप से उनके द्वारा जो शहादत दी गई है गर्व नहीं जाएगी और रायसेन जिले में भी अपराधियों की जो है कार्रवाई करेंगे और शांति का वातावरण